भिंडी का सीजन है और हम लोग तरह तरह से भिंडी की सब्जी बनाते रहते हैं। आज बनाएंगे भरवा भिंडी मसालेदार। तो आप लोग वीडियो को स्किप न करके बने रहिए मेरे साथ मेरे चैनल में। पहाड़ी रसोई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज लिए हैं मैंने भिंडी और इनकी बनाएंगे भरवा भिंडी। इनको धो करके अच्छे से ड्राई कर लिया है और ये मुलायम वाली भिंडी ली है जो कि आसानी से टूट जाए और एकदम बन भी जाती है। ये तो इसका हम ये हिस्सा और ये निकाल करके एक कट लगाएंगे ऐसे। भिंडी को चीरे लगा के रख दिया है पूरा। अब हम मसाले की तैयारी कर लेते हैं। मसालों के लिए 1 चम्मच मेथी ले ली है, 1/2 चम्मच। इसको रोस्ट कर लेंगे। मेथी भुन चुकी है। अब इसमें 2 चम्मच डालेंगे सौंफ। इनको भी निकाल देंगे। थोड़े से दाने मूंगफली के और इसी में ये नारियल डाल देंगे। ये सूखा हुआ नारियल है, आप कच्चा भी डाल सकते हैं। इनको भी निकाल देंगे। 2 बड़े चम्मच धनिया, 1/2 ठंडा होने देंगे, फिर इनको ग्राइंड कर लेंगे। मसाले ठंडे हो चुके हैं, अब मैं इनको ब्लेंड कर लूंगी। जीरा भुना हुआ मेरे पास पाउडर है, इसलिए मैंने जीरा नहीं डाला। और 2 हरी मिर्च डालूंगी और 1 टुकड़ा अदरक का। अब इसको मैं पीस लूंगी। इसमें ये मैंने पीस लिया है, थोड़ा बारीक नहीं किया है, थोड़ा मोटा किया है। इसमें डालूंगी 1/2 चम्मच हल्दी, स्वाद अनुसार नमक। और ये भुना हुआ जीरा मेरे पास रखा था, इसलिए जीरा भुना नहीं मैंने, यहीं से डाल रही हूँ अभी। 1 चम्मच डालेंगे कश्मीरी मिर्च, थोड़ी मलाई डाल के मिला लेंगे। इस तरह से इन भिंडियों में सारा मसाला भर देंगे अच्छे से। और ये भुना हुआ मसाले का स्वाद काफी अच्छा आता है। इसी तरह हम पूरी भिंडियों को भर लेंगे। और ये भुना हुआ मसाला रहता है, इसलिए इनको मसाले को ज्यादा पकाने की जरूरत तो है नहीं। और आप भिंडियां अगर अच्छी वाली भिंडियां लोगे मुलायम मुलायम तो ये एकदम बन जाती हैं और काफी स्वादिष्ट भी होती हैं। चाहे आप टिफिन में या बच्चों के लंच बॉक्स में या टिफिन में कहीं भी दो आप। ये पूरी भिंडी मैंने भर के रख ली है, बहुत सुंदर लग रही हैं। इसी तरह बनाकर जरूर ट्राई करना और अच्छी लगी तो लाइक सब्सक्राइब शेयर भी करना। कढ़ाई गर्म हो चुकी है, अभी 2 बड़े चम्मच तेल डाल देंगे। ये सरसों के तेल में भून रही हूँ, इनको फ्राई कर रही हूँ। अभी धीरे धीरे इनको जिस तरह मसाला लगा है उसे ऊपर साइड रखेंगे और इस तरह से रख देंगे। और हल्की आंच रखेंगे, हल्की आंच में ये 3 से 4 मिनट में बन के तैयार हो जाएंगे। इस तरह इनको साइड से निकालते रहेंगे और नीचे तेल में डुबाते रहेंगे। और थोड़ी देर ढक्कन लगा के रख देंगे और ये थोड़ी भाप से भी पक जाएंगी। और हिलाते रहेंगे बीच बीच में थोड़ी थोड़ी देर में। हल्की सी आंच में रखेंगे और 1-1, 2-2 मिनट में इनको देखते रहेंगे और ऐसे ढक करके थोड़ा भाप में पकेगी और थोड़ी नीचे से तेल में। अब
भिंडी तैयार हो चुकी है, भरवा भिंडी काफी अच्छी खुशबू आई है। अब कर देंगे गैस को बंद और ये बहुत बढ़िया भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। आप एक बार इस तरह ट्राई जरूर करना, काफी अच्छी खुशबू आई है मसालों की और इसमें तेल भी बहुत ज्यादा नहीं है इसमें। ये आप पूरी पराठों के साथ एंजॉय कर सकते हैं, काफी अच्छी भिंडी बनके तैयार हो चुकी है। आपको ये बनाने का तरीका कैसा लगा? अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू।